नमस्कार दोस्तों, वेलकम आवर चैनल क्रिक 11 हब पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो पे आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का एक और मैच एनालिसिस करेंगे। मैच नंबर 24 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड, जो वेडनेसडे 25 अक्टूबर दोपहर 2 बजे दिल्ली और सी अरुण जेटली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे होने वाला मैच के बारे में वीडियो पे बात करेंगे। वेन्यू स्टैट्स, हेड टू हेड स्टैट्स, ये स्टैट्स वो स्टैट्स आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन हम लोग आपको स्टैट्स से निकाल के ड्रीम इलेवन पे स्मार्ट बनाएंगे। वीडियो पे प्रैक्टिकली बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड मैच पे क्या क्या होगा, क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। तो वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो किसी भी पार्ट को मिस मत करिए। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो पे हमारे साथ बने रहिए। पिच रिपोर्ट, तो चलिए दोस्तों इस मैच पे पिच कैसा रह सकता है वो देख लेते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम बैटिंग फ्रेंडली पिच के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे बाउंड्री जो है बहुत ही छोटा एंड फास्ट आउटफील्ड है, जो बैट्समैन को मदद करता है रन बनाने के लिए। बॉलर के लिए क्या है, फास्ट बॉलर को खेल के शुरुआत में मदद मिलेगा, जो यूजुअली हम लोग देखते हैं। एंड ऑल्सो स्पिनर आर द डोमिनेट इन द मिडिल ओवर, जो खेल का टेम्पो को सेट करता है। विनिंग द टॉस, टीमें क्या पसंद करती है, टीमें जो है यहाँ पे टॉस जीत के फील्ड करना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स पे ड्यू आने का खतरा रहता है, तो इसीलिए टीमें जो है टॉस जीत के फील्ड करना ज़्यादा पसंद करती है। हेड टू हेड रिकॉर्ड, दोस्तों इस मैच पे भी हेड टू हेड में बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है हमारे पास। एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग टीम के बीच में मैच होगा। इससे पहले ओडिया इंटरनेशनल में 2 बार आमना सामना हुआ है ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ही 2 बार जीता है, तो इस मैच को भी ऑस्ट्रेलिया को ही जीतना चाहिए, अगर नीदरलैंड साउथ अफ्रीका मैच की तरह कुछ अनएक्सपेक्टेड ना कर दे तो। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट ऑस्ट्रेलिया इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ अपसेट हुआ है एक बार इस वर्ल्ड कप पे, तो वो दोबारा नहीं चाहेगा ऐसा कुछ हो, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इस वर्ल्ड कप पे लास्ट 4 में जाना बहुत ही मुश्किल दिखाई देगा। ओवरऑल हम लोग एक्सपेक्टेटर एक अच्छा क्रिकेट मैच देखने की उम्मीद करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस मैच के लिए दो टीमों का क्या प्लेइंग इलेवन रह सकता है वो देख लेते। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया के तरफ से कोई चेंजेस हम लोग तो नहीं देख रहे हैं इस मैच पे। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग में डेविड वार्नर और मिचेल मार्श, उसके बाद वन डाउन पे स्टीव स्मिथ, फिर मार्कस लैमोचेनी, फिर विकेट कीपर बैट्समैन जॉस सिंगलिट्स, ग्लेन मैक्सवेल हो सकता है बाद में प्रोमोट हो जाए, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस, फिर ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क्स, एडम जैम्पा और जॉस हेजलवुड को हम लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए देखेंगे। तो शुरुआती ओवर्स में पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क्स बॉलिंग करता है, उसके बाद पावर प्ले का अंत में जॉस हेजलवुड को भी एक आध ओवर बॉलिंग करते हुए देख सकते हैं, और डेथ ओवर में भी ये तीनों ही मिलकर बॉलिंग करता है, और शुरुआत में पावर प्ले में इन तीनों ही बॉलिंग करना है, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस भी एक आध ओवर बॉलिंग कर सकता है, उसके बाद एडम जैम्पा स्पिन डिपार्टमेंट को एडम जैम्पा संभाल लेगा, और ग्लेन मैक्सवेल भी एक आध ओवर बॉलिंग करते हुए आपको देख सकता है। मार्कस स्टोइनिस जरूरत पड़ने में बॉलिंग करता है, लेकिन इस मैच में शायद उनका जरूरत ना पड़े। तो ये रही ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन। उसके बाद नीदरलैंड की बात करें, तो नीदरलैंड की तरफ से ओपनिंग में विक्रमजीत सिंह, उसके बाद मैक्स ओडाउट, फिर कॉलिन एकरमैन वन डाउन पे, उसके बाद नीदरलैंड की सबसे बेहतरीन प्लेयर बास डेलिट, फिर तेजा निदामारू, उसके बाद नीदरलैंड कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन स्कॉट एडवर्ड्स, फिर सेवर्न एलिजाबेथ, उसके बाद आर्यन दत्ता, फिर अरविंदर मारवेल, लॉगन वैन बिक, पॉल वैन मिकारेन को हम लोग नीदरलैंड की तरफ से खेलते हुए देखेंगे। नीदरलैंड की बॉलिंग की बात करें, तो बहुत सारे ऑप्शन लेके ये लोग बॉलिंग करता है, कॉलिन एकरमैन से लेके बास डेलिट, एलिजाबेथ, आर्यन दत्त, अरविंदर मारवे, लॉगन वैन बिक, पॉल वैन मिकारेन भी बॉलिंग करता है, लेकिन मेन जो बॉलर है वो है बास डेलिट, उसके साथ साथ बाकी लोग बॉलिंग करेगा, और लॉगन वैन बिक भी एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर, आर्यन दत्ता भी बहुत ही बढ़िया फॉर्म पे चल रहा है, तो आर्यन दत्ता भी अच्छा खासा बॉलिंग करते हुए आपको देख सकता है। तो ये रही नीदरलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन। चलिए दोस्तों इस मैच के लिए आपके फैंटेसी टीम पे डिसेंट पिक क्या क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ आपके लिए टॉप ऑर्डर में ये लोग बैटिंग करेंगे। डेविड वार्नर, मिचेल मार्श ओपनिंग करते हुए आएगा, और उसके बाद स्टीव स्मिथ, तो ये तीनों बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके फैंटेसी टीम पे, इन तीनों को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकता है। बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो इन तीनों को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, ये लोग आपके लिए एक डिसेंट पिक होगा। उसके बाद एडम जैम्पा, मिचेल स्टार्क्स, पैट कमिंस और जॉस हेजलवुड,
ये चारों बॉलिंग सेक्शन पे दिखेगा आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो ये चारों बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। पिच पे शुरुआती ओवर्स में पेसर के लिए मदद है और स्पिनर भी मिडिल ओवर में अच्छा कर सकता है, तो ये चारों ही आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि सामने नीदरलैंड है, जल्दी विकेट गिरने का चांस रहता है नीदरलैंड की, तो ये चारों आपके लिए बहुत ही बढ़िया पिक होगा। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल को आप चाहे तो अपनी टीम में ट्राई कर सकता है, मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि फोर्थ डाउन पे बैटिंग करने आएगा और कितना ओवर बॉलिंग करेगा इसका कोई भरोसा नहीं है, तो बॉलिंग तो करना चाहिए क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट में बस एडम जाम्पा है, तो स्पिन अगर दिखाई देगा पिच पे तो मैक्सवेल को देखे बॉलिंग करवाएगा, तीन से चार ओवर तो करवा सकता है। और अगर मान लीजिए टॉप ऑर्डर बहुत जबरदार रन कर दे, मतलब पिछले वाला मैच पे जैसा दिखा गया था कि डेविड वार्नर और मिचेल वार्न्स बहुत ज़्यादा रन बना दे, तब जाके ग्लेन मैक्सवेल को वन डाउन पे प्रमोट कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया ऊपर भी प्रमोट कर सकता है, तब जाके एक बहुत ही बढ़िया पिक होगा। मेरे लिए तो इस मैच पे ये थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन हो जाएगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद नीदरलैंड की बात करें तो बार्सडेल लीट बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, बार्सडेल लीट को आप अपनी टीम में पिक कर सकता है, बॉलिंग बैटिंग दोनों से आपको पॉइंट दिलाएगा, तो आपके टीम पे एक बहुत ही बढ़िया पिक हुआ। उसके बाद कॉलिन एकरमैन भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके टीम पे, ऑलराउंडर सेक्शन में दिखाई देगा टीम 11 पे आपको, तो ये भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, बॉलिंग बैटिंग दोनों से आपको पॉइंट दिलाएगा, बैटिंग वन डाउन पे करने आएगा और बॉलिंग भी अच्छा खासा कर लेता है, सबसे बड़ी बात विकेट टेकिंग नेचर की गेंदबाज है, तो आप इनको टीम में पिक कर सकते हैं नीदरलैंड की तरफ से। उसके बाद लॉन वैन बीक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, आप इनको टीम पे ट्राई कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, खासकर अगर नीदरलैंड पहले बॉलिंग करेगा तो आपकी टीम पे एक बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट पिक होगा, बैटिंग से भी आपको पॉइंट दिला सकता है, तो इसलिए बहुत ही खास पिक है आपकी टीम पे, तो इनको आप पिक कर लीजिएगा आपकी टीम में। उसके बाद विकेट कीपर सेक्शन से आपको दिखाई देगा स्कॉट एडवर्ड्स, नीदरलैंड की तरफ से खेलते हुए आएगा, नीदरलैंड का कप्तान भी है और नीदरलैंड की तरफ से विकेट कीपिंग भी करेगा, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया पिक होगा, खासकर अगर विकेट कीपिंग सेक्शन से बात करें तो यही आपके लिए सबसे डिसेंट ऑप्शन भी होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो भी खेलेगा, एलेक्स करी खेले कि जॉस इंग्लिश खेले, तो उससे मुकाबले में स्कॉट एडवर्ड्स को ज़्यादा मौका मिलेगा टीम के लिए कुछ करने का, तो स्कॉट एडवर्ड्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया पिक होगा, तो स्कॉट एडवर्ड्स को आप अपनी टीम में टाई कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं आपके फैंटेसी टीम पे डिसेंट कैप्टन वाइस कैप्टन किसको किसको बना सकता है आप, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर और मिचेल वार्न्स को आप कैप्टन बना सकता है अपनी टीम में, क्योंकि फिरोजशाह कोटला का मैदान पे मैच होगा, तो बहुत ही बढ़िया और बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो ये दोनों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करते हुए आएगा, तो ये दोनों आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, तो इन दोनों में से किसी को आप कैप्टन बना सकता है अपनी टीम में। उसके बाद वाइस कैप्टन की बात करें तो स्टीव स्मिथ भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, अगर आप स्टीव स्मिथ को वाइस कैप्टन बनाने का सोच रहे हैं तो स्टीव स्मिथ को अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना सकता है, वन डाउन पर बैटिंग करने आएगा, भले ही लास्ट कुछ मैच में अच्छा रन नहीं बनाया लेकिन इस मैच में बना सकता है, सामने नीदरलैंड है, बैटिंग फेली पिच है, तो अच्छा खासा रन बनाने का उम्मीद कर रहा है स्टीव स्मिथ से, तो स्टीव स्मिथ को इस मैच में अच्छा करना चाहिए। उसके बाद मिचेल स्टार्क बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, खासकर अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करेगा तो इनको आप कैप्टन भी बना सकता है सीधा सीधा अपनी टीम में, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, विकेट टेकिंग नेचर की गेंदबाज है और ICC टूर्नामेंट में इनका रिकॉर्ड भी बहुत ही जबरदस्त है, तो इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में। उसके बाद नीदरलैंड की तरफ से अगर किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का सोच रहा है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है बार्सडेल लीट, बार्सडेल लीट को आप सीधा सीधा कैप्टन भी बना सकता है आपने चाहे तो, बॉलिंग बैटिंग दोनों से आपको पॉइंट दिलाएगा, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया पिक। अब कैप्टन अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसी को बनाने का सोच रहा है तो बार्सडेल लीट को वाइस कैप्टन जरूर बनाइएगा अपनी टीम में, बहुत ही बढ़िया होगा। उसके बाद नीदरलैंड की तरफ से आप चाहे तो कॉलिन एकरमैन को ऊपर ट्राई कर सकता है वाइस कैप्टन में, कॉलिन एकरमैन बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, विकेट टेकिंग नेचर की गेंदबाज है और वन डाउन पे बैटिंग करने आएगा नीदरलैंड की तरफ से, तो आपके टीम पे एक अच्छा ऑप्शन होगा, इनको तो पहले बोल दिया कि डिसेंट पिक में रह ही सकता है, आप चाहे तो अपनी टीम में वाइस कैप्टन में भी ट्राई कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अभी इस मैच के लिए यूनिक GL कैप्टन वाइस कैप्टन किसको किसको आप बना सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्कस लैबोचर्नी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा आपके लिए GL पे, ये टू डाउन पे बैटिंग करने आ सकता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और ज़रूरत पड़ने पे बॉलिंग भी कर लेता है कुछ ज़्यादा ओवर, बहुत ज़्यादा अगर स्पिन दिखाई देगा तभी बॉलिंग करेगा, नहीं तो बॉलिंग नहीं करेगा, लेकिन बैटिंग से आपको अच्छा खासा रन बना सकता है, अगर मान लीजिए नीदरलैंड ने शुरुआती टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट कर दे तब जाके मार्कस लैबोचर्नी को बहुत बढ़िया इनिंग्स खेलना चाहिए, तो मार्कस लैबोचर्नी के ऊपर आप ट्राई कर सकता है GL पे, आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। उसके बाद एडम जैम्पा, पैट कमिंस और जॉस हेजलवुड बॉलिंग सेक्शन से दिखेगा आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो इन तीनों को आप अपने हिसाब से ट्राई कर लीजिएगा रोटेशन में, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, खासकर जॉस हेजलवुड तो बहुत ही बढ़िया और
एडम जैम्पा को आप ट्राम कार्ड पिक की तरह पिक करके कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकता है। ये लोग बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा आपके टीम पे, तो इन लोगों के ऊपर आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर खासकर पैट कमिंस और जॉस हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग कर रहा है और एडम जैम्पा अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग कर रहा है, तब जाके एडम जैम्पा आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। उसके बाद नीदरलैंड की तरफ से अरविंदर मारवे बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत बढ़िया एक्टिव इनिंग्स खेला था। अगर उस तरह का कुछ इनिंग्स खेल दे तो कोई भरोसा नहीं है, तो इनके ऊपर आप जीएल में ट्राई कर सकता है। वाइस कैप्टन में बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा जीएल पे, इनके ऊपर ट्राई कर सकता है। उसके बाद आर्यन दत्ता बहुत ही बढ़िया फॉर्म पे चल रहा है इस वर्ल्ड कप पे, बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेल रहा है, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और बॉलिंग से तो कर ही रहा है, तो इनके ऊपर आप ट्राई कर सकता है। ये भी नीदरलैंड की तरफ से बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, कुछ कुछ मैच में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, लास्ट वाला मैच पे भी ज़्यादा प्रदर्शन किया था, तो इनके ऊपर आप ट्राई कर सकता है। ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया पिक होगा, यूनिक पिक की तरह पिक करके इनको जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड मैच की ड्रीम इलेवन टीम क्या होगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से टेलीग्राम पर जाके सर्च करिए क्रिक इलेवन हब ऑफिशियल, हमारे चैनल दिखाई देगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट सेक्शन पर भी लिंक दिखाई देगा आपको, तो वहां से भी आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकता है। टेलीग्राम बहुत ही जरूरी है क्योंकि फाइनल अपडेट आपको वहीं पे किया जाएगा। तो चलिए अभी टीम देख लेते हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन से हम लोग स्कॉट एडवर्ड्स को पिक करें क्योंकि एलेक्स कैर या जॉस इंग्लिश में से जो भी खेलेगा तो उनसे बेहतर जो एड्स एडवर्ड्स ही है, तो इनको हम लोग पिक करें। उसके बाद बैटिंग सेक्शन से डेविड वाटनर, स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, इन तीनों को ही हम लोग पिक करें। उसके बाद आप चाहे तो मैक्स ओडाउड, मार्कस लैबोचानी को ट्राई कर सकता है, आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा ये लोग। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल को आप चाहे तो अपनी टीम में ट्राई कर सकता है, हम लोग फिलहाल के लिए छोड़ रहा है। उसके बाद बासडे लीड बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा नीदरलैंड की तरफ से, तो इनको हम लोग पिक कर रहे हैं। कॉलिन एकरमैन भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है नीदरलैंड की तरफ से, तो कॉलिन एकरमैन को भी हम लोग पिक कर रहे हैं। उसके बाद मार्कस टर्नस को अगर आप चाह रहे हैं तो मार्कस टर्नस के ऊपर आप लिख रखे इनको ट्राई कर सकते हैं, जीएल पे एक अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। तो उसके बाद बॉलिंग सेक्शन पे चलते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन से मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस और एडम जैम्पा, इन चारों को ही हम लोग पिक कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, बहुत ही बढ़िया पिक होगा आपके लिए। उसके बाद एल वैन बिक को हम लोग पिक कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही बढ़िया पिक होगा। आप चाहे तो अरविंदर मारवे और पी वैन मकरकन को ट्राई कर सकता है, जीएल में अच्छा पिक होगा आपके लिए। अगर नीदरलैंड पहले बॉलिंग करेगा तब भी आप ट्राई कर सकता है, आर्यन दत्ता भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो हम लोग फिलहाल के लिए डेविड वार्नर को कैप्टन बना रहा है और बासडे लीड को वाइस कैप्टन बना रहा है। फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो ये रही हमारी अभी तक का टीम। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं टीम पे अपने हिसाब से तो वो हमको लोगों को कॉमेंट सेक्शन में बताइए क्या चेंजेस करना चाहिए हम लोगों को। तो आप अगर इतनी दूर आ गया है तो आपका एक बहुत ही बेहतरीन टीम बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।